अगर आप भी दोष से परेशान हैं अगर आपके घर में भी मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं अगर शादी नहीं हो पा रही है नौकरी नहीं मिल रही है बिजनेस नहीं चल रहा है अगर पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं तो बस एक कील का उपाय कीजिए और आपको मिलेगा इन सभी समस्याओं से निजात मुक्ति तो क्या है वो उपाय कैसे करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं शो अमित की रेमिडीज़ दोस्तों हर चीज़ से आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर नि निकालने का मौका मिलता है ऐसा हर एक चीज़ होता है हर एक समस्या के लिए आज एक ऐसा चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो है कील कीला इसके एक ऐसे अचूक उपाय के बारे में बताऊंगा जिसको करके आप अपने इन तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं आपको करना क्या है एक कीला लेके शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहाँ मिट्टी को खोद कर अपनी समस्या को बोलना है और फिर उस बड़ी सी कील को वहाँ गाड़ देना है और उस गड्ढे में ऊपर से मिट्टी को मतलब दबा देना है ठीक है पर इसके साथ एक आटे का दीपक ज़रूर जलाएं सरसों के तेल से और फिर आप वापस आ जाइए ठीक है ये एक ही बार करना है ऐसा नहीं है कि हर शनिवार करना है बस एक ही बार करना है एक ही बार आपको एक बड़ी सी कील लेनी है आपको शनिवार के शाम में पीपल के पेड़ के पास जाना है इस तरह से मिट्टी खोद कर अपनी समस्या बोल कर उस कील को उसमें गाड़ देना है ऊपर से मिट्टी दबा देना है और चले आना है बस एक ही बार करना है ठीक है अब दूसरा उपाय भी आपको बताता हूँ अब पानी में दूध मिला के चार बताशे दो लौंग और काले तिल इन सभी चीज़ों को मिला लीजिए है ना और फिर पीपल के पेड़ पे जाके रोज़ चढ़ाइए ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा और आपको फ़ायदा मिलने लगेगा तीसरा उपाय ये है कि हर शनिवार को सुबह के वक्त आप पानी में दूध शक्कर शहद और एक गुड़ की डली ये सब पानी में मिला के पीपल के पेड़ पे ले जाएं और वहाँ अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद पीपल के पेड़ को दोनों हाथों से टच करके अपने सारे समस्याओं के बारे में बोलिए अपने सारे कर्मों के बारे में अगर आपको लगता है कि आपसे कभी भी कोई भी जाने अनजाने गलती हुई है गलत विचार गलत कर्म हुआ है गलत सोच की वजह से आपके कुछ गलत हुआ है जो भी है वो तमाम चीज़ों के लिए माफ़ी मांगिए और फिर कहिए कि भाई मेरे मेरे तमाम कर्मों के लिए मुझे माफ़ कीजिए और फिर मेरी हर इच्छा पूरी कीजिए ऐसा आपको कहना है ठीक है ऐसा अगर आप करते हैं इन उपायों को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि पितृ दोष से परेशान है अगर हैं मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं शादी विवाह नहीं हो रही है नौकरी नहीं मिल रहा है बिज़नेस नहीं चल रहा है पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं या अन्य किसी तरह के समस्याओं से आप गुज़र रहे हैं तो यकीन मानिए ये तीन उपाय आप एक बार करके देखिए ये इतने कारगर हैं कि ज़रूर 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 आपको निवारण मिलेगा इन समस्याओं से इन परेशानियों से इन प्रॉब्लम से ठीक है तो दोस्तों ये एक छोटा सा कील का एक उपाय था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने आपके साथ शेयर किया अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो आपको तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में और ये वाकई में काम करता है मैं ये खुद भी करके देख चुका हूँ तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मैं आपको इसी तरह के कुछ नए टोटके नुस्खे के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा तब तक लिए टाटा